आज की दुखद घटना, करनाल के पूर्व सांसद अश्विनी चोपड़ा का शनिवार को निधन हो गया। अश्विनी कुमार चोपड़ा के निधन की खबर मिलते ही पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। अश्विनी चोपड़ा फेफड़ों के कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। अश्विनी कुमार चोपड़ा ने गुरुग्राम के अस्पताल मेदांता में अंतिम सांस ली। उनका काफी लंबे समय से इलाज चल रहा था, इसी वजह से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अश्विनी चोपड़ा 2014 में भाजपा की सीट पर करनाल लोकसभा से जीतकर संसद पहुंचे थे। 2014 में भाजपा ने उन्हें बतौर पैराशूट कैंडिडेट टिकट देकर दिल्ली से सीधे करनाल लोकसभा सीट पर भेजा था। मोदी लहर में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। 2019 में पार्टी फिर से उन्हें सीट देना चाहती थी, लेकिन अश्विनी चोपड़ा ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वे पिछले काफी लंबे समय से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को गुरुग्राम के मेदांता में करनाल के पूर्व सांसद अश्विनी चोपड़ा का हालचाल जानने पहुंचे थे। अश्विनी चोपड़ा मेदांता के आईसीयू में उपचाराधीन थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर पूर्व सांसद अश्विनी चोपड़ा के परिजनों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों से भी मुख्यमंत्री ने उनकी बीमारी व इलाज के बारे में जानकारी ली। अश्विनी चोपड़ा के परिजनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बताया था कि फेफड़ों के कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं। अश्विनी कुमार चोपड़ा का जन्म 11 जून 1956 में हुआ था। उनकी उम्र 63 वर्ष थी। उनका जन्म जालंधर में हुआ था। अश्विनी कुमार चोपड़ा अपने पीछे 3 बेटे और पत्नी किरण चोपड़ा को छोड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार चोपड़ा पंजाब केसरी के मालिक थे। भारतीय जनता पार्टी ने 16वीं लोकसभा चुनाव में उन्हें करनाल से टिकट दिया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। अश्विनी कुमार चोपड़ा दिल्ली के पंजाब केसरी के निदेशक एवं संपादक थे। वह करनाल से 16वीं लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। पंजाब में आतंकवाद के दिनों के दौरान उनके दादा लाला जगत नारायण और पिता रोमेश चंद्र को 1981 और 1994 में हत्या कर दी गई थी। पत्रकारों और कार्यकर्ताओं द्वारा एक अभियान के माध्यम से आतंकवाद को रोकने के लिए अपना योगदान दिया, इसलिए पंजाब केसरी को आमतौर पर शहीद पत्रकारों के समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है। वह पढ़ने और लिखने में रुचि रखते थे। वह खेल, छात्र गतिविधियों और राजनीति के अलावा सामाजिक आर्थिक विकास में गहरी दिलचस्पी लेते थे। वह समाचार पत्र में अपने स्पष्ट, निडर, साहसी लेखन के लिए जाने जाते थे। अश्विनी कुमार चोपड़ा 16वीं लोकसभा के लिए करनाल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के अरविंद कुमार शर्मा को हराकर चुने गए थे। 2014 में गृह मामलों पर स्थायी समिति के सदस्य चुने गए थे। 2014 में विदेश मंत्रालय विदेशों के साथ भारत के संबंधों के व्यवस्थित संचालन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय के तहत परामर्श समिति के सदस्य चुने गए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी समेत विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने श्री चोपड़ा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि देश ने एक सच्चा पत्रकार खो दिया है। उनका अंतिम संस्कार रविवार को सुबह 10 बजे निगम बोध घाट पर होगा। फिलहाल उनका शव दर्शनों के लिए उनके निवास पर रखा गया है। यहां हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। समाचार एक्सप्रेस समूह अश्विनी कुमार चोपड़ा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।